बेनितो मुसोलिनी। एआई के नाम जो फशिज्म, हौसले और दुनिया की तारीख के एक सियाह दौर से मशहूर है। आज हम इल्दुचे के उरूज और जवाल को देखेंगे, उसकी सफार को एक्सप्लोर करेंगे जो एक जोशीला नौजवान इनकी लबी से एक मुतलक हुक्मरान बन गया, जिसके ख्वाब अफरात और तशद्दुद और बर्बादी में खत्म हुए। मुसोलिनी 29 जुलाई 1883 को इटली के शुमाली शहर में पैदा हुआ। उसकी शुरुआती जिंदगी घुर्बत और बगावत से भरपूर थी। उसके वालिद, जो कि एक पुरजोश सोशलिस्ट है, ने छोटे बेनितो में सियासी एक्टिविज्म का शिदात से जाज्बा भर दिया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद इटली में अफरा तफरी थी। माशी तंगी और सियासी बेकरारी ने इंतहा सोच को फैलने का मौका दिया। 1919 में मुसोलिनी ने फाशी इटालियानी दी कॉम्बैटिमेंटो की बुनियाद रखी, जो फैशिस्ट पार्टी का आगाज था। वादा करते हुए कि वो निजाम और कौमी फखर को बहाल करेंगे, मुसोलिनी की तहरीक ने जल्दी ही मकबूलियत हासिल कर ली। 1922 तक मुसोलिनी और उसके ब्लैक शर्ट्स ने रोम पर मार्च किया और किंग विक्टर इमानुएल III को मजबूर किया कि वो मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर मंजूर करें। एक बार इक्तिदार में अन्याय के बाद मुसोलिनी ने अपना कंट्रोल मजबूत करने में कोई वक्त जाया नहीं किया। इसने खुद को इल्दुचे लीडर का ऐलान किया और इटली को एक मुतलक अलनान रियासत में तब्दील करने का इरादा किया। इसकी हुकूमत ने मुतासिर के नवामी काम बनाए, मैशत को जदीद बनाया और ताकत और इतिहाद की तस्वीर पेश की, लेकिन सतह के नीचे मुसोलिनी का इताली जबार की सरजाना था। सियासी मुखालफिन को खामोश कर दिया गया, आजादियों को खत्म कर दिया गया और एक बेरहम खुफिया पुलिस ने इसकी मर्जी को नफिज किया। मुसोलिनी के अजायम बढ़ाते गए और हिटलर में उसे एक खतरनाक इतिहादी मिल गया। उन्होंने मिलकर यूरोप को दूसरी जंग अजीम में झोंक दिया। इब्तदाई तौर पर मुसोलिनी की अफवाज ने कुछ कामयाबियां हासिल की, लेकिन लहर तेजी से महवारी ताकतों के खिलाफ हो गई। जैसे ही इटली को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इक्तिदार पर मुसोलिनी की गिरफ्त कमजोर पर गई। 1943 में इन्हें उनकी अपनी ग्रैंड काउंसिल ने मजूल और कायद कर दिया था। जर्मन कमांडोज ने बचाया, उसे शुमाली इटली में कठपुतली हुक्मरान के तौर पर नस्ब किया गया, लेकिन इसके दिन गन्ने जा चुके थे। अप्रैल 1945 में इटिहादी अफवाज के बैंड होते ही बेनितो मुसोलिनी ने फरार होने की कोशिश की। उसे अतालवी हमियों ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। इसके जिस्म को इसके जवाल की संगीन अलामत के तौर पर अवामी तौर पर दिखाया गया। बेनितो मुसोलिनी की वारसत एक ऐसे उरूज में से एक है जिसे करिश्मा और पॉपुलिज्म ने ईंधन दिया है, लेकिन आखिरकार हब्स और जुल्म से तबाह हो गया। इसका तरीक सफर गैर चेकशुदा ताकत के खतरात और जमहूरी इदारों की नजाकत की एक एहतियाती कहानी का काम करता है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो बसीरत अंगेज लगा तो बरा करम मजीद तारीखी दरियाफ्तों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।